Alexander? अरे कहती दे पाड़ पाड़ देखा है, कदे नजर ना ला दिए, बैठ जा। अरे जब भी लोली दीदी पॉप सह मेरे दर है चल तने देखा रे। उस दिन से पहले RX-100 पे बस सपनों में बैठा था। सुनते थे कि अगर छोरा सिर्फ बोल भी दे ना छोरी से कि उसके पास RX-100 है तो समझ लो फिर छोरी छोरी की। नहीं बाबूजी नाटक मत कर रख ले। बाबूजी बंदा आ गया। अभी क्या? हाँ चल भाई एक जरूरी काम आ गया, तेरी घुमाई पूरी बाद में। ठीक भाई रुक रिक्शा जाना है शिव कॉलोनी में और नामवाड़ी में बैठ जा। ठीक भाई शिव कॉलोनी कितना लेगा? शंकर बाबूजी का हुकुम है पैसा ना लूंगा बाबूजी। क्या डॉन बोले क्या ये? डॉन नहीं देवता है। करते क्या है देवता? अभी तो अपने आप वो धीरे धीरे खुद ही बता देंगे। बैठिए ना आइए। कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट छपरा और हमारा नाम है हरनाम। यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहा है ना बाबूजी कि पेटवा का जो भूख है ना वह हमारा खींच के लाई है। डिप्लोमा की एडमिशन स्लिप देखकर मैं बहुत खुश था। दूसरी खुशी थी शंकर से मिलने की। RX-100 रखने वाला शंकर, कुछ तो बात थी उसमें। पहले दिन डॉक्टर सबरवाल ने पूरे डिप्लोमा का ओरिएंटेशन दिया। किस्मत से शंकर और मैं साथ में बैठे थे और उससे भी अच्छी किस्मत से पूनम शर्मा भी मेरे पास बैठी थी। उसने लड़कों को भाई साहब कहना छोड़ दिया था। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 1 साल का था और जैसे हमें डॉक्टर सबरवाल ने बताया था लैब में 7 डिपार्टमेंट थे, यूरिन स्टूल बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड बैंक जो अस्पताल की नई बिल्डिंग में था। डॉक्टर सबरवाल ने यह भी बताया कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप रोटेशन पर हर डिपार्टमेंट में 1 हफ्ते की ड्यूटी करेगा। शंकर को अपने सूत्रों से पता चला कि मारी पहली ड्यूटी यूरिन में लगने वाली है। पूनम को तो जैसा सदमा लग गया, लेकिन अगर शंकर आपको दोस्त हो फिर क्या दिक्कत? देख बेटा राजेश, हरनाम और इरफान ने तो बता दिया है कि तू ही सरगना है इस ब्लड रैकेट का, पर मुझे बताया कि औकात ना है तेरी। तू शरीफ आदमी है, अपने बाप को देख। ना अंकल जी आप रो मत, ऐसी औलाद के लिए मत रो। देख भाई राजेश, मुझे पता है और तुझे पता है कि सरगना कोई और है। अगर सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होता तो तेरा नाम वो होता इंक्वायरी बंद करने के लिए, पर मुझे इस लाल दुकान को जड़ से मिटाना है। फिर तू देख ले, 2 दिन है तेरे पास, अच्छी तरह से ठोक सोच के मुझे अपने बॉस का नाम बता दे, मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे अभी नाम बता दे, यही के यही। नाना अंकल जी सोच लें, 2 दिन दिए।
लो अभी घर ले जाओ इसे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये तुम्हारा कांड नहीं है। तुम्हारी कसम नहीं, शंकर ने फंसाया मुझे इस कांड में। तो फिर सोच क्या रहे हो, जाके दे दो नाम शंकर का गजराज को। ना, दोस्त है मेरा वो। शंकर किसी का दोस्त नहीं है। तो शुरू से बहुत घटिया लगता था उसकी कुत्ते जैसी वो हंसी, और तुम भोले आ गए उसकी बातों में। तुम क्या करूं? अरे भोले महाराज, शंकर का ता एंड्स करा दो। उल्टा मुझे तो ना फंसा देगा, बहुत जुगाड़ है उसके। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कहा तो है गजराज ने। तुम जाके बता रहे एसपी को कि मैं जाऊं? ना ना, मैं जाऊंगा। चल दिया नाम रोशन करण मेरा। हर नाम बोला तो एस पी तो सौदा कर भाई, और क्या करता? इतना मत सोचा कर बेटे, एक फोन कर दिया ना मन ने तो गजराज का बाप भी ना बचा पाऊ तुमने। भाई ऐसे मत कीजिए, भाई शादी होने वाली है मेरी। जो राधा ने पाया श्याम में, जो सीता ने पाया राम में, मेरे जिसा न पावे गाम में, जब बांधूंगा मोड़। घूमने जा लगा कहाँ? मारी पहले दिन की घुमाई पूरी ना हुई, आज करते हैं तेरी घुमाई पूरी। अरे आजा आजा, महाराणी तेराणी तो थोड़ी छोटी है पर भूलती नहीं कुछ, मिस करे तुम्हें। आजा। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। जल्लीकट्टू के लिए मना करने वाली सरकार साल में 33,000 जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मर्सी किलिंग के नाम पे मार देती है। अगर कोई काम शुरू करना हो तो कोई आगे नहीं आता है। पहले प्लास्टिक का यूज तो रुकवाइए जी। कोई काम शुरू करना हो ना तो कोई आगे बढ़ के नहीं आता, मगर रुकवाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। गवर्नमेंट से भी अगर परमिशन ले लो तो भी ये लोग रुकवा देते हैं। विदेश के लोग भी जल्लीकट्टू रोकने के लिए साथ दे रहे हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा? अरे इस पे हम क्या कर सकते हैं? ये क्या न्याय है? 300 किलो बैल पर 60 किलो वाला आदमी अगर सवारी करे तो क्या गलत है? हाँ बेटा। अरे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, ये सब राजनीतिक खेल है बेटा। सरकार ने रोक लगाई है, लगता है जल्लीकट्टू नहीं होगा। सरकार ने खुद से रोक नहीं लगाई। हाँ। कुछ लोगों के दबाव की वजह से इस उत्सव पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा। ये देखो काम छोड़कर खेलने में लग गए लोग। अब ये सब बातें छोड़ो और अपने पैर पर ध्यान दो और अपना काम करो। चलो हटो। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा किसको पता था भाई। इतने सालों के बाद जल्लीकट्टू गांव में होने वाला था, पर बैलों पर रोक लगा दी गई, इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। यहाँ खेती बाड़ी से लेकर मच्छी पकड़ने वालों तक सारे परेशानियां उन्हीं लोगों के लिए है, दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सब लोग मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तभी जाके इस समस्या का समाधान मिल सकेगा हम सबको। आज अगर खेल के लिए हम एक हो गए, आगे हर समस्या में हम एक हो जाएंगे। इसी डर से हमारे बीच फूट डाल रहे हैं।
कहीं से आया हुआ आदमी इसको रोकने की हिम्मत कर रहा है। इसका मतलब हमारे बीच में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो लाखों लोग जब मर गए थे हम लोग देखते रह गए थे। ऐसे लोग जो लोगों की परवाह नहीं करते ना वही लोग सारा काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बहकाते हैं और गलत काम करते हैं। ए, चुप रह, लोगों का क्या गुलाम बना के रखा है सबने? हजारों साल से ये होता आ रहा है। जलीकट्टू हमारे खून के अंदर है। ये लोग हमारी हजारों साल की परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह एक होकर इस परंपरा को बचाना ही होगा। आज हम चुप बैठे रहे तो कल हमारे दाना पानी से लेकर पहने हुए कपड़ों तक के लिए वो हमें परेशान करेंगे। हम उन्हें ऐसे करने नहीं देंगे। हम अपनी पहचान कतई खोने नहीं देंगे। जलीकट्टू के रोग के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया है। और उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर जेल भिजवा दिया। अरे आंदोलन करने वाले किसी कोने में रहकर आंदोलन करते हैं शांति से। तुम जैसे लोग जो सड़क पे आ जाते हैं हम लोग को क्यों परेशान करते हो? समझ में नहीं आता क्या होंगे? हम तो खड़ों को देख रहे थे। बोलो भैया, अपने गांव के लोगों को हवालात में बंद करके मारा जा रहा है। वीडियो भेजूं क्या आपको? छत्रपति गांव के नौजवानों को पीट रहे पुलिस का वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। अब लोगों के बीच में खलबली मच गई है। ये क्या, रत्नम के बेटे की पुलिस ने खूब धुलाई कर दी। दिल्ली में नहीं पूरे देश में जलीकट्टू का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को लेकर दिल्ली की तारीफ जलीकट्टू को लेकर सभी जगह पर की जा रही है। साथ ना छोड़ेंगे अब हम जरा, रोके से ना रुके अब ना कारवां। ना हो डर ना फिकर बस आगे बढ़, रोके से ना रुके अब ना कारवां। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, ये वक्त कह रहा। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, हर शख्स है कह रहा। स्टूडेंट्स और आंदोलन से जुड़े सभी लोगों से आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। आप सब लोग शांति बनाए रखें, कोई नुकसान ना करें। जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, उन तमाम लोगों के जज्बे पे मैं फक्र महसूस कर रहा हूँ। जनता उनके साथ है। इस तरह के पारंपरिक उत्सव को मनाने की परमिशन दे देनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करनी ही चाहिए, तभी राज्य में शांति रहेगी। ए, सच बोल, नहीं तो बहुत मारूंगा। इन लोगों का फैसला होने तक हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। सर, सर, किसको पूछकर इनको पकड़ा है? सॉरी सर, इतना मारा है इनको, मारने का किसी ने वीडियो निकाल कर वायरल कर दिया। चलो छोड़ो इनको। ओके सर। जेल से वार्डन का फोन आया था कि तुम्हारे पिता का कातिल कल छूटने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है, शायद जानबूझकर रात में छोड़ा उसको और फिर उसका खून करवा दिया। मुझे तो लगता है कि सारा प्लान करके किया गया है। वो एक्सीडेंट की बॉडी कहां पे रखी हुई? मॉर्चुअरी में जाकर देखिए। अरे चलो बहन, चलो चलो उठो, चलो यहां से। उस दिन मेरे पिता को फोन करके आपने पुलिस स्टेशन बुलाया था। घर से जो गए वापस जिंदा नहीं लौटे। मेरे पिता के कातिल को सिर्फ आप जेल में मिलने गए थे, अब इधर भी आए हो। इसका मतलब जरूर आपका मेरे पिता के कातिल से कोई संबंध है। अरे
तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तू मुझ पे शक कर रहा है? उस दिन तेरे पिता को मैंने ही फोन करके बताया था, जानते हो क्यों बुलाया था? सुनिए जी, पटियार ने फोन किया था, गुरुमूर्ति के भाई और मालस्वामी के भाई को किसी ने मार डाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, चुप बैठो, नहीं तो केस बनाकर अंदर डाल दूंगा तुम सबको। चुप करके बैठो, क्या बोलते बोलो। देखिए सर, हमारे आदमियों ने कोई गलती नहीं की थी, सोने की चैन की लालच में इन लोगों ने बैल को पकड़ा था, इसलिए इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डाला। ए, अगर हमको मारना ही होता तो हम सबको मार देते, अंधेरे में आकर मारने वाले हम कायर नहीं है। ए, मेरे भाई का जिन्होंने भी खून किया है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जमीन हो या पाताल उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मैं उनके गले काट दूंगा। मारना ही था तो तुम्हें मारता, तुम्हारे बैल को नहीं। अकेले आदमी पर हमला करे हम ऐसे कायर नहीं है। अरे तुम ही लोग आपस में बारी बारी बहस करोगे तो हम किस लिए हैं? अरे चुपचाप मुंह बंद करके बैठो ना। नमस्ते सर। बैठो। सर क्या है ये जल्लीकट्टू में खून करने वालों को छोड़कर आप जल्लीकट्टू देखने वालों को पकड़ के लाए हैं? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, दो लोगों को काट कर मारा गया है, ये बात एसपी तक पहुँच गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव वालों ने कुछ नहीं किया और वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं किया, केस तो डालना ही पड़ेगा। मुझे पता था ये सब तो होगा ही, इसीलिए पहले ही कहा था मैंने जल्लीकट्टू में इनको शामिल मत करो। तुम लोगों को एक करने का सोचा भाई, ये मेरी गलती है जी, तुम लोगों की वजह से पूरा गाँव अलग हो गया है। केस मत बनाइए सर, जल्लीकट्टू में खून हुआ कलेक्टर को पता चलेगा तो सिर्फ जल्लीकट्टू ही नहीं सर, कोई भी पर्व त्योहार हम लोग नहीं मना पाएंगे सर। बैल ने मार दिया ऐसा केस में लिख दीजिए, कहाँ जाएंगे भाग के, गांव में ही तो रहेंगे ना, हम देख लेंगे उनको। सुनो, इस समस्या को हल करने के लिए किसकी बलि देनी है पता मुझे? कुत्तों के दुम, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। ए, साथ में मिलाने का नाटक करके अलग कर दिया ना, देख लेना अब गाँव में क्या क्या होगा। भाई अपना बैल मुत्तुपति में है, लेके आना है। मैं देख लेता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा।